इस वक्त कहाँ जाऊँ मैं? तुझे जरा तरस ना आया मुझ पे? सत्यानाश हो, तेरा खाला किशो से भी बुरी हालत कर दी मेरी, इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? है तुझसे तो शादी करके मैं पछता रही हूँ, एक एक दिन मेरा मुश्किल से गुजर रहा है तुझसे शादी करके, तुझे जरा शर्म ना आई कि ऐसी लड़ाई हो गई थी? ठीक हो जाएगा, खुद थोड़ी कहा था पेरिस घूमने के लिए, वो तो उसी का इरादा था, पासपोर्ट बनने दिए हुए थे, मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि इतनी देर क्यों लग रही है, नाराज हो गया। ए बदबख्त, तुझे कहा किसने था कि तू शौहर से जाके सींग अड़ा? तू कौन सा यहाँ पे हमेशा से पेरिस और लंदन फिरती रही है? अरे इसी दिन के लिए समझाया करते थे, जबान जो इतनी तेज चलती थी, हमारे ऊपर तेज की ना, अब वहां भी चला ली बुक तो। जुगनू नंबर दे उसका, मैं उससे खुद बात करती। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर तक कर लेना, वैसे भी शाम तक तो लेने आ ही जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आएंगे। अरे क्या किशो का हाल नहीं देखा मैंने सारी जिंदगी? जुगनू बेटा मेरी बात मान, तो तू खुद ही वापस चली जा, इतना अमीर आदमी है, राजहट का तो सुना है ना, ये अगर जिद में आ गया तो क्या होगा? खुद ही चली जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो और क्या करूंगी? किशो को फोन कर रही हैं आप? अरे दोनों फोन पे इस कदर हंस रहे हैं जुगनू। हालांकि किशो ठीक कहती है, तुम बरसात होती है ना बड़ी अजीब होती है। वाशी जी, जी ये शख्स अगर घर के अंदर दाखिल हुआ, घुसा, समझ गए ना? जी जी, मगर छोड़े मालिक, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तमाम आर्टिस्टों को उन्होंने टाइम दे रखा है, अगर शूट ना हुई तो वो लोग, उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। आप इसमें शामिल? जी नहीं नहीं छोटे मालिक, खुदा की कसम नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जुगनू मेरे पल्ले ये बात नहीं पड़ी कि इतनी सी बात पे घर से निकाल दिया। हाँ अम्मा, तू मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसा क्या कर दिया जुगनू, क्या कह दिया? कुछ भी नहीं, बस मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन आज नहीं है बेटा। देख बेटा, अगर ये घर मेरा अपना होता ना, उसे घर दामाद रख लेती,
अपनी बच्ची को अपनी नजरों से कभी दूर ना जाने देती। तुझे जानती है मैं तो खुद किसी के टुकड़ों पर पल रही हूं। जब जुगनू मॉडल नहीं थी, जब इमो उसका मैनेजर नहीं था, तो फिर ये सब कुछ क्यों किया या मकसद क्या था? मुझे 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 तकलीफ थी ना। नहीं नहीं छोटे मालिक, खुदा की कसम ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मैं ये हो सकता है कि अल्लाह की कोई मसलियत हो इसमें। क्या मसलियत? ठीक कह रही हूँ, अब्बा के होते हुए कुछ जमा जोड़ कर लिया होता तो आज हमारा अपना घर होता, और ये शादी भी ना ऐसे ही कर ली खाला जहांगीर की जिद में आके। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, है मैं वापस चली जाऊंगी, और पक्का वादा ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। कभी ऐसी नौबत ना आए। क्या? मैं अर्ज कर रहा था कि आपकी बड़ी मेहरबानी अगर शूट होने दें, क्योंकि शूट ना हुई तो उस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं कि कंपनी का जाना भर सके वो। एक शर्त पर। छोटे मालिक, आपकी तो बात सार आंखों पर, शर्त तो बहुत मामूली चीज है, आप हुक्म तो कीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि क्या खेल कबड्डी है। हे आपा, किस कदर जबान चला करती थी इस लड़की की कि खाला यूं कर लें, खाला हूं कर लें। अब पूछूंगी कि बताओ तो बन्नो, तुम्हारे गुर कहां गए सारे? आई किशो, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। ए क्या आपा? आई हुलिया देखा, सादी सी चप्पल, मामूली सी चादर। आई जितना अमीर ये बताती है, उन लोगों के तो मुलाजिमों के भी हुलिये से बेहतर होते। हाँ आपा, ये बात तो है। अच्छा, तो बस यही शर्त है? शर्त तो मियां बस इतनी सी है, पर हमें लगा कि मैं शोर मचाऊंगा, चीहूंगा, चिल्लाऊंगा, जुल्फी से जाके लड़ूंगा। नहीं नहीं, अब पक्षी जी भी क्या करें, इंसान है ना, दिल में आ गया कि हो सकता है सुनने के बाद बुरा मानो या हमें कुछ कहो। पक्षी जी, मैं पागल हो गया था, उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। मतलब आप तो जानते हैं मैं इस तरह की हमाकत सोच के भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था, भला बच्चों का खेल है, इसको बुलाओ, इसको हटाओ, उसको ले आओ। दिमाग में आया कि कोई ना कोई तो चक्कर होगा। चक्कर देखें बख्शी जी, उस लड़की को खुद इस फील्ड से पैसे कमाने का बहुत ही शौक है। आपने नोटिस नहीं किया वो किस तरह बेतकल्लुफी के साथ जुल्फी से बातें कर रही थी? 100% बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और दोबार लालची भी है बहुत। बिल्कुल, और तेज भी, इसी तेजी की वजह से उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। देखिए आप तो मुझे जानते हैं, मैं कितने अरसे से इस फील्ड में, मैं पागल हूँ, अपनी इज्जत खुद ही खराब करूंगा मैं। लाहौल वाला कुवत, तुम्हारे दुश्मनों के मुंह में खाक, अल्लाह तुम्हें और इज्जत दे मियां, और वैसे भी कोई अपने पेट पर खुद लात थोड़ी ना मारता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वो अच्छा, जुल्फी साहब से कह दें कि मुझे उनकी शर्त मंजूर है। चलाक आदमी हो मालूम था मुझे, लेकिन मुझे वो गाड़ी चाहिए।
वो हमारी खानदानी गाड़ी। जी हाँ बिल्कुल। और वो हमारी भोली शाहजहान कह रही थी पेरिस गई भी है मेरी लाडो। मैंने इतवार बाजार में देखा उस दिन चिंजी पे जा रही थी। ऐसा चापा? मुझे तो लगता है ये लड़की किसी लंबे चक्कर में फंस गई है। खुदा खैर करे आपा, कहीं कोई बात हमारे ऊपर ना आ जाए। अहलो हम पे क्यों आने लगी, हमारा क्या वास्ता? वो देंगे दोनों खुद ही। ये भी ठीक है। अच्छा चलो कुछ खाने को तो मंगा लो। कहती हूँ मैं। शाहजहान, शाहजहान। क्योंकि वो गाड़ी मेरे बॉस को पसंद आ गई और मैं जानता हूँ कि जब तक वो इस गाड़ी को हासिल नहीं करेगा वो मुझे जॉब पर वापस नहीं रख सकता। तो तुम ये चाहते हो कि वो गाड़ी हम तुम्हें बख्श दें? हाँ हो सकता है तो बख्श दें, क्योंकि अगर मेरा बॉस मेरे कैरियर को बचाने के लिए ये शर्त रख सकता है तो मैं जुल्फी से क्यों नहीं शर्त रख सकता। बहुत खूब मियां, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा सौदा सोचा है वैसे। एक बात कहूं, तुम भी पूरे हो। देखें, ये आप मेरा काम करवाएं और आपको मैं कितने काम करवाता हूँ या मुझ पे छोड़ दें। अरे मालूम है मियां, किस कमबख्त ने कहा वादे दो। बस यूं समझो तुम्हारा काम हो गया। बस एक बार मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। यूं समझो कि मुसीबत टल गई। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी ये। ए जुगनू, कल उसने निकाला और आज तुम खुद ही पहुंच जाओगी। ए भला क्या सोचेगा वो? ए आपा जहांगीर, क्या सोचेगा वो? तुम भी तो खुद ही चली जाती हो। हाँ भाई मेरी बात तो और है, तुम्हारी तो पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, तुम क्यों मेरी तरह पिटो? हाँ तो मोहब्बत की शादी है इसीलिए तो ख्याल कर रही हूँ उसका, झुकने नहीं दे रही उसे, इसीलिए मैं खुद जा रही हूँ। और सुनो, उसने मार पीट घर से निकाल दिया, ये है कि उसे यहाँ आने नहीं देना चाह रही, क्यों गई? हाँ तो मुझे ना मेरे घर की आदत हो गई है, यहाँ तंगी होती है मुझे। ए जुगनू, तूने घर के साथ शादी की है शोहर के साथ? घर होगा तो घर वाला होगा ना। ये कोरियर वाला खत देके गया है, जुगनू के नाम है। किसका खत है? देखूं तो? देख रही हूँ ना। दिखा तो। पीछे पता तो लिखा है जुगनू। अरे और जुगनू, जुगनू, ये जुगनू किसका खत है? क्या मैंने बोला तलाक? तलाक अब तो पहली हुई, अभी तो दो तरह के बाकी हैं, ऐसे थोड़ी होगी। Ooh.
साथ भी ऐसा ही हो। सो के उठो ना, मैं क्यों उठो ही ना, आंख ही ना खोले तुम्हारी मेरे साथ क्यों। मैं मामूली सी लड़की हूँ और इम्मू मेरा शौहर है। शौहर थे हमारे आशिक ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं तुम्हें तलाक ना देता तो सारा कैरियर मेरा तबाह कर देता, लिहाजा मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार, मैं कुछ और कहना चाहता था तुमसे। बोलो, मुझसे बात करनी है तो पहले मेरे बड़ों से बात करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, बड़ों से भी बात कर लेंगे, पहले तुम तो मान लो। हाँ, मैं। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं आपका पीछा क्यों करूंगा, मेरा भी यही रास्ता। अच्छा, मुझे आपको कुछ बताना है। वो क्या है ना कि जो आप मुझे समझ रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूँ। मैं मामूली सी लड़की हूँ और इम्मू मेरा शौहर है। शौहर थे। क्या मतलब है थे, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो और भी बहुत कुछ मालूम है, लेकिन खैर ये मुनासिब जगह नहीं, आप घर तशरीफ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं तशरीफ नहीं लेके जाना, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इम्मू मेरा शौहर है और रहेगा। किसी के भी बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकते? किसी के भी बारे में नहीं, अपने बारे में बोल, मुझे पता है इम्मू मेरा शौहर है। अच्छा, I'm sorry, आपको बुरा लगा, लेकिन इम्मू वो इम्मू के बारे में एक लफ्ज भी कहने से पहले 10 दफा सोचना शौहर है मेरा। हाँ, अब पीछा मत करो, बैठो ना गाड़ी में, रास्ता नापो अपना। पासपोर्ट बनने के लिए कुछ पेपर्स चाहिए थे, वो ही देने गई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि जब तक पासपोर्ट बन के आएगा तब तक मैं ही रह लूं, और वो लड़ाई खत्म हो गई। भला किशो खाला, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मियां बीवी की कोई लड़ाई लड़ाई होती है। बस बीवी बस, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि उस अमीर जादे ने दिल बहलाने के लिए कुछ दिन को शादी कर ली थी, दिल भर गया तो निकाल बाहर किया। मैं अम्मा को देख लूं, अकेली किचन में पता नहीं क्या करूं। ये अदालत से जो लिफाफे आते हैं ना, उन पे सारी दास्तान ऊपर ही लिखी होती है, अब हमसे क्या छुपाना। ऐ हटो,
अबे कौन है, क्या शोर मचाया है, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो, कौन है? मम्मी मुझे तलाक क्यों भिजवा दी, मुँह मेरा कसूरी क्या है, आखिर बताओ तो सही। अबे चुप कर, तुम्हारे आशिक से मुझे मरने का शौक नहीं है, चलो चलो निकलो यहाँ से। बैठ के बात करते हैं, निकलूं क्यों भाई? बैठ के बात करते हैं, बड़ी बात। हमारे आशिक ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं तुम्हें तलाक ना देता तो सारा कैरियर मेरा तबाह कर देता, लिहाजा मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम्हारा घर है, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, कहती तुम्हारा घर। तुझ जैसे शौहर को तो मर जाना चाहिए, साला डरपोक। अब ये दरवाजा तुम पर बंद हो चुका है लड़की, और बंद दरवाजे पे दस्तक देने का कोई फायदा नहीं होता, इंसान की अपनी बेइज्जती होती है। धक्के खा के गिरोगी ना तो ये दुनिया तुम्हें कुचल कर निकल जाएगी, संभलना और पलटकर हमला करना सीखो। मेरी बात मानो तो अब दोबारा इधर कभी मत आना, तलाक दे चुका है ना वो तुम्हें? देखो लड़की, इम्मू की शोहरत इतनी अच्छी नहीं, जब मुझे पता चला कि वो किसी लड़की को शादी करके यहाँ लेकर आया है तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि माँ बाप ने अपनी बच्ची की शादी यहाँ कैसे कर दी। मेरी इज्जत थी, वो क्या है कि खाला जहांगीर से जान छुड़ाना चाहती थी मैं, हर वक्त के ताने, हर वक्त का एहसान जताना, मुझे लगा कि यही एक तरीका है जान छुड़वाने का। जहां इतना सहा था थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लेती। इम्मू के पीछे मत आओ, जब इसने तुम्हें बेकसूर घर से निकाल दिया, तलाक दे दी, तो ये तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। नहीं 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 वकील आंटी, इम्मू बेकसूर है, जुल्फी ने भड़काया है उसे, धमकी दी है इम्मू को उसने। है ये तुम्हें इम्मू ने बताया ना? हाँ, वो झूठ नहीं बोलता मुझसे। सच बोलने की वजह? वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये भी तुम्हें इम्मू ही ने कहा होगा? हाँ। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे या कोई जेवर है? पैसे तो नहीं है, वो जेवर भी नहीं है मेरे पास। हक महर कितना था तुम्हारा? हक महर शायद 4,000 रुपए। 4,000? तो बस मैं तुम्हें ये मशवरा दे सकती हूँ कि तुम फौरन अपनी खाला के पास वापस चली जाओ और उन्हें सारी बात सच सच बता दो, तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। या? कौन? अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये क्या जल्दी है, अरे आ रहा हूँ, सबर कर, पहचान लड़की। क्या हो गया जिन्नू, खैरियत इस वक्त? छोटे साहब को ढूंढने आई हूँ, हैं कहाँ है वो, निकालो बाहर। हैं हैं हैं, ब्रेक लगाओ लड़की, नहीं है छोटे साहब। सब कुछ सच जानते हुए जुल्फी को कुछ ना बताया तुमने, है? नहीं बताया, किस बारे में? यही कि मैं शादी शुदा हूँ, मेरा घर बर्बाद करते हुए शर्म ना आई तुम लोगों को? हैं? घर हमने उजाड़ा है, शर्म नहीं आई तुझे शादी शुदा होते हुए हमारे साहब को बताते हुए? मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी? मुझे इम्मू ने कहा था। हाँ, इम्मू ने और कुछ नहीं कहा तुम्हें? क्या मतलब? मतलब बताए बख्शी जी, तुम्हारे इम्मू शरीफ जादे जो है ना, उनकी नौकरी जानती हूँ कैसे बची, उनके साहब को हमारे साहब की गाड़ी पसंद आ गई थी।
तक तो तुम गई हो, और सुनने का हौसला है तो बताओ। हमारे साहब के पास आया था तुम्हारा इम्मू, जानती हो क्या बोला? मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, आप गाड़ी देने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ था तभी तो तुम आज यहाँ खड़ी हो, गाड़ी के बदले भेज गया था तुम्हें वो। अरे जुगनू, ये अब तो आपा जहांगीर मार दानों के नाक में दम कर देंगे। तूने क्या कर दिया जुगनू? क्या किया अम्मा, उसी का ही कसूर था सारा। अरे ये कौन पूछता है कि गलती किसकी थी, दुनिया तो बस इल्जाम धरती है, बस दुनिया की तो ऐसी की तैसी अम्मा। ए जुगनू, अरे तेरी इन्हीं बातों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। जाने दो अम्मा, घर बसाने के लिए मैंने सब कुछ तो किया, खिदमत मोहब्बत अताज सब कुछ जो तुमने कहा था, और उसके कहने पे मैंने झूठ में बोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा? अरे मैं तुझे बताऊं तेरा कसूर क्या है? बता। अरे तू एक औरत है, बेबस कमजोर बेसहारा औरत, जमाने के हाथों में खिलौना, उसका दिल भर गया, उसने तुझे भेज दी। अरे चुकनू चुकनू, क्या होगा, मेरी बच्ची शादी करेगा। अरे जाने दो अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अच्छा तो मेरी नाक के ए नीचे ये सब हो रहा था। अरे तू भी मिल गई शाहजहान, इससे कर दिया ना खानदान की इज्जत का कबाड़ा। अरे आपा, अपना ही नसीब बिगाड़ा, अरे खानदान का क्या गया? हाँ भाई, खानदान का क्या गया भला, अरे तू तू थड़ी थड़ी तो मेरी हुई ना। अरे तुम्हारे घर पे किसने उंगली उठाई, मेरे ही घर पे उंगलियाँ उठी ना। अरे किसने उठा दी आपके घर पे उंगली? अरे बीबी तुम तो मेरे मुंह मत लगो तो बेहतर है। मत लगे मेरे मुंह सोने ने मुझे। अब ये जो नया आशिक पाला है उसकी तो दीवार से दीवार मिली है। अरे वो पिछले ने कम से कम निकाह करने की जहमत तो कर ली थी, इस मुए ने तो। अरे जुगनू, तूने तो हमारा मुंह काला कर दिया, खानदान में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रखा, कमबख्त कहीं की। अम्मा खाने की है, भूख लग रही है, चलाती हूँ। ये जुल्फी का बच्चा, अब बनता है इसको तो मैं ठीक करूंगी, ये जिंदगी खराब करती। किस बात का बैठी सोग मना रही हो, अब तो इद्दत भी पूरी हो चुकी तुम्हारी। ये जो तेरी चुप और घुन्नापन है ना, इसी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छी तरह जानती हूँ क्या खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर। कोई मैं तो खानदान में नक्कू बन के रहेंगी, जो मिलता है कहता है सुनाई जुगनू की शादी कर दी,
क्या बताऊं लोगों को कि वो तो उजड़ कर भी वापस आ बैठी। तो कह दिया करी ना, क्या फर्क पड़ता है। हाय 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 हाय, अरे अरे शाहजहान, आए जरा इधर तो आओ, आए इधर आओ। क्या हो गया आपा? जरा देखो, इतना बड़ा गुल खिला के भी तुम्हारी बेटी को जरा शर्म नहीं। किस बात की शर्म, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अरे लो, अभी कुछ करने की हसरत बाकी है दिल में। हाँ भाई, कौन सा तुम्हारे बाबा का घर बदनाम हो रहा है। अरे दुनिया वाले तो मेरे ही ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना। तो उठाने दे। जुगनू चुप कर जा, काहे को जलील करवाती है हमें। लो लो और सुनो, अरे भाई हमने हूँ कर दी तो जलील हो गए, और वो जो दीवार पार मजनू पाल रखा है जिसने सारे मोहल्ले में बदनाम किया, उसका कुछ नहीं। हर आदमी अच्छी तरह जान चुका है कि तुम्हारी बेटी को तलाक क्यों हुई। ये सारी दुनिया को मेरी जिंदगी से क्यों दिलचस्पी है, अपने घरों को जाके देखे ना। अरे बेशरम, जबान के नीचे जबान है तेरी, कुछ हया है? नहीं नहीं है तो फिर जाके उसी के साथ रहे जिसके साथ मिलके उल्टे सीधे मंसूबे बनाती है। अरे सारी दुनिया जान चुकी है कि अमीरजादे को देखकर गरीब शोहर की कनपट्टी पे पिस्तौल रखी और तलाक मांग ली। तो क्या करें आपा जहांगीर, बोलते की जबान नहीं रोकी जा सकती, मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है। अरे तौबा है शाहजहान, तुम तो बिल्कुल बेगैरत हो चुकी। अरे भाई किसी का डर खौफ ही नहीं तुम्हें, लेकिन मैं तो एक बीमार औरत हूँ, अरे दो घड़ी चैन नहीं है मुझे। अरे दुनिया की बातें सुनूं या तुम्हारी बेटी की बदतमीजी सुनूं, या अल्लाह मुझे तो तू उठा ही ले बस। आपा, अरे आपा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हटो, अपनी सलाटों को समझाओ कि जहाँ मैंने रिश्ते की बात की है बस वहीं पे कर ले। हाँ हाँ करेगी, जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी। बस आप फिक्र ना करें। मुझे नहीं करनी शादी, इतने रिश्ते आ रहे हैं ना, तो आप दोनों खुद कर ले। भाई सुन रही हो, इस उम्र में हमारी शादी कराएगी, लगता है करा कर ही छोड़ेगी कब्बा। आपा ना समझ है ना, भी बच्ची है वो। क्या तरबियत की है तुमने। जुगनू हाँ। ये देख, ये लड़का ना टंडो जाम में रिक्शा चलाता है। अरे अपनी जाती चिंची भी है इसके पास, पहली बीवी दो बच्चे छोड़ के मर गई है। अरे अपनी आपा जहांगीर है ना, उनके पुराने चौकीदार का जानने वाला है, बहुत ही शरीफ लड़का है। इतना ही शरीफ है तो खाला जहांगीर खुद क्यों नहीं रख लेती संभाल के। उनकी बेटी है ना सोलत आपा, उसकी तलाक होगी तो करवा देना शादी। अरे अरे अरे, कोई हद होती है एहसान फरामोशी की भी। तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के हाँ, इंतकाल के बाद उन्होंने हमें सहारा दिया, बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई। वो तो चाहती नहीं मेरी अच्छी जगह शादी हो। अम्मा अपनी बेटी ही कराए ना टंडू आदम वाले से शादी। होश के नाखून कर जुगनू, होश के नाखून कर। अरे तलाक याफ्ता लड़की को ये रिश्ता भी मिल जाए तो गनीमत है गनीमत। क्यों अम्मा, तलाक याफ्ता लड़की की अच्छी जगह शादी नहीं होती क्या? देख जुगनू, पहले तू अपनी मनमानी कर चुकी ना, अब पास आ जा। आपा जहांगीर के हमारे ऊपर एहसान है एहसान। ये इसको एहसान कहते हैं, मुझे नहीं रखना ऐसा एहसान। हाँ। अरे जुगनू हाँ, काला जहांगीर खुद करे इस मुच्छल से शादी, पांव धो धो के पिएगा। अरे जुगनू, अरे सुन तो सही। हाय कब सुधरेगी ये लड़की, अच्छा खासा तो लड़का था। जुल्फी का बच्चा, अब बनता है इसको तो मैं ठीक करूंगी, अपनी जिंदगी खराब करती। जुल्फी साहब, जुल्फी साहब उठिए, उठे और चले मेरे साथ। चले कहाँ? मुझसे शादी करने। शादी? अच्छा है जी, उठे चले।